ये राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला है और ये रहा राम मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर, कैसा राम मंदिर बनने वाला है, कुछ ऐसा है। अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे राम मंदिर जो बनने वाला है उसके पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। कार्यशाला है यहाँ पे राम मंदिर की और यही सारे पत्थर जो है भगवान श्री राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का, उसी में ये सारे पत्थर जो नक्काशी करके बहुत पहले से ही रख दिए गए हैं। फैसला आने बहुत पहले से रखे हुए हैं, जब शिलान्यास हुआ था उसी समय के ये सारे पत्थर हैं और यही दिव्य पत्थर उसमें लगेंगे। इससे भी और बड़े बड़े पत्थर भी मंगाए जा रहे हैं, ये तो एक नमूना है। आप इसकी नक्काशियों को देख करके ये सब देखिए, ये सब नक्काशियाँ हैं। इतनी अद्भुत नक्काशी के साथ इन पत्थरों को तराशा गया है और इन्हीं से भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बनेगा। और राम मंदिर पर इस समय गाना एक बहुत फेमस चल रहा है, बड़ा ही सुंदर अद्भुत गीत है। हाँ, बहुत सुंदर। आइए बड़े भाव से हम लोग गाते हुए चलते हैं, कहेंगे मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। यहाँ पे कार्यशाला और साथ में पंडित जी आचार्य जी ने एक बहुत प्यारा सा गीत भी हमें सुनाया है, आपको सुनकर शायद अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ और करते हैं अयोध्या को फुल एक्सप्लोर। जैसे कि हम ये शिला जो देख रहे हैं ये कहीं इकट्ठे नहीं मंगवाई गई है, ये सारी शिलाएं एक एक व्यक्ति लेकर के आए हैं। आप सोचिए इसमें कितने ईंटें होंगे और ये सारी ईंटें एक एक लोग लेकर के आए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं कि इतने लोग, अब सोच लीजिए कार सेवकों जितने उसमें कार सेवा करने आए थे उस समय, ईंटों की गिनती करके आप पता लगा सकते हैं कि कितने लोग आए थे। श्री राम देखिए, ये इस ईंट को देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है जय श्री राम, ये देखिए कोई आया था तमिल, तमिल भाषा में लिखा हुआ है, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, तो ये कोई एक जगह का लोग नहीं थे, ये भारत के कोने कोने से लोग आए थे और कार सेवा करके उन्होंने राम मंदिर जहाँ पर था पुनः स्थापित करने का काम उन लोगों ने किया है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की विशेष कृपा उन लोगों के जीवन में थी। ये देखिए सभी भाषाओं के लोग यहाँ पर, जहाँ दूर दूर से लोग आए थे, वहाँ स्थापित करेंगे तो वो नहीं लगा पाए, तो वो एक सोचिए इतनी ईंटें हैं, कितने लोग आए रहे होंगे उस कार सेवा में, तो ये उनका निशानी है, वो लोग अपनी ईंट को लगाना चाहते थे कि हम भी नहीं भगवान की नहीं में। तो अभी आप काम चल भी रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, बेहतरीन नक्काशी। Thank you.